भैया बंदा है। अरे मेरा माइक कहाँ रखा है? मैं मुजफ्फरपुर के तरह एक बड़ी कांड हुआ है, आपने भी ट्वीट किया है, क्या लिएगा उस घटना में? अरे इससे ज्यादा शर्मनाक मतलब, अरे भैया आप बना लीजिए ना बात। तरीके से चलते रूम में घटना घटी थी, उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे, उतनी ही या उससे ज्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है। ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियां बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो जो यातनाएं, जो जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही है, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते। एक बार वो जरूरी नहीं समझते कि वो आए जाए मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियां बता रही है कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो है जो कि बाहर बचकर आई है, जो अपनी बातों को बता सकती है, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया, कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तक इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब उस इन चीजों की निंदा करने की। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं, कि जहाँ एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलकता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति उनके भाई उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम दिया आपने, क्या उससे सीख ली? बिरजू पीछे कर, उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना जरूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः माननीय राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा, इससे ज्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकता। बिहार में राष्ट्रपति शासन महामहिम राज्यपाल लागू करवाए, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। चिराग जी इंचार्ज को क्लीन चिट दे दिया गया 24 घंटे के चिराग जी 24 घंटे में अगर आप इंचार्ज को जांच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को? जो वहाँ पर इंचार्ज है आपने उसके अगर रहते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम मिल रहा है तो आप बताइए ना कौन, हम लोग जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया? बिहार में इसीलिए बार बार कोई भी आप घटना देख लीजिए, बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है, ये उस घटना का उदाहरण है। बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है पर किसी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार जब मैं घटना का जिक्र करता हूँ, पटना एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद है, रुपेश यहीं के थे, यहीं पे काम करते थे, बताइए ना क्या हुआ? उनको दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, कोई पकड़ा, किसी के ऊपर गिरफ्तारी हुई, कोई जेल गया, कितनी जहरीली शराब से लोग मरे, कोई आज तक जेल गया। और यहाँ पर भी मुजफ्फरपुर ये मुझे पटना में शेल्टर होम में आप देखिएगा, इसी तरीके से एक के बाद एक क्लीन चीट दे दी जाएगी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, अपराधियों के मन में कोई डर भय बैठेगा नहीं, और भगवान ना करे, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि किसी दूसरे जिले में इसी तरीके से शेल्टर होम की घटना सामने आ रही है।
तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है? अपराधियों के मन में डर कैसे बढ़ेगा क्योंकि बच्चों को लगातार धमकियां मिल रही हैं? संभव ही नहीं है। जब तक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के जो कि गृह मंत्री है, जब तक वो प्रदेश में है, अपराधियों के मन में भैया भय नहीं आता। चिराग जी, कल इसका परिणाम है कि आए दिन इस तरीके की घटना को अंजाम मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता, उसे सलाखों के पीछे भेजा नहीं जाता, और गलती से अगर किसी को पकड़ लिया गया होता है तो महीने दो महीने के बाद लेन देन करके उसको रिहा कर दिया जाता है। कल बजट पेश हुआ है, जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि बजट जो है बिहार के लिए सही नहीं है और विशेष राज्य की मांग की जो चर्चा है बजट में नहीं की गई। लेकिन बजट में विशेष राज्य की चर्चा की मांग होती नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी बजट को सही बताया है। नहीं, हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा, इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या, झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं, मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार मिलकर सत्ता का सुख भी आप भोगेंगे? अगर आपको इतना ही एतराज है तो उठाइए कदम मजबूत, अलग होकर दिखाइए अगर आपने हिम्मत है तो, और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए। फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे। भाई, गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया, उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा? भाई, हम लोग की मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा, मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा, या तो बजट बोले कि खराब है। पर हिम्मत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं, पर वहीं आपको अपने राज्य में, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है, तो आप बताएंगे कि नहीं भैया, यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है, ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सजा दिलवा। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ने अपने कोटी की सीट दी है आपके चाचा की पार्टी को, क्या वहाँ से आपका उम्मीदवार दिख सकता है एमएलसी चुनाव में? भाई, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ और अधिकांश सीटों पर जी हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। जिस विशेष सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सीट के बारे में नहीं बोलूंगा, बट इतना मैंने जरूर बोला है कि अधिकांश सीटों पर